आज मैं आपको ताशकंद उज़्बेकिस्तान की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोई गैदरिंग है जो उस दिन हो नहीं पाई थी, जिन्होंने मेरी आखिरी वीडियो मतलब पिछले दो तीन वीडियो देखी होंगी उन्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कोई सालसा डांस की गैदरिंग है जो मुझे जर्मनी के मेरे दोस्त ने बताई थी, तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि वो पहले पहुँच गया, उसने बता दिया कि वहाँ पे लोग अच्छे खासे आए हुए हैं, तो तू आ जा। इस बार मैंने उससे पहले चेक करने के लिए भेज दिया था, तो बस यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो वॉक करके आराम से पहुँच जाऊँगा। 15-20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो देखते हैं यार क्या माहौल बना हुआ होगा वहाँ पे। और आपको ताशकंद की नाइट लाइफ के बारे में आज पूरा मतलब एक जगह नहीं जाएंगे, 2-3 जगह जाएंगे आज। और यार एक और बात है, अभी मतलब मैं 10 बजे यहाँ पे रोड पे वॉक कर रहा हूँ और ये देखो पूरी हलचल है सड़क पे, कोई मतलब ऐसा सुनसान नहीं हो गया, और सुनसान हो भी जाएगा तो भी यहाँ पे सेफ कहते हैं लोग। मतलब आप 1-2 बजे आराम से रोड पे चल सकते हो, कोई आपको मतलब लूटा पार्टी नहीं है। यार कैपिटल है किसी देश की, और जब देश के लोग अच्छे हैं तो लूटा पार्टी कैसे होगी। बाकी अभी तो सही माहौल है, मतलब रात के 10 बजे भी अच्छी खासी गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब मुंबई जैसा माहौल है पर कम भीड़ के साथ। मतलब मुंबई में भी नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, यहाँ पे कुछ समोसा जैसा तो वो पैक करवा के खा रहे थे। थैंक यू। तो इसको खाते हुए चलेंगे, रास्ते में खत्म हो जाएगा। और ये 25 रुपये के हिसाब से पैटी या समोसा जो भी है, पर बढ़िया चीज़ है। तो अगर आपको स्ट्रीट पे ऐसी चीज़ कुछ दिखे पूछ के खा लेना, क्योंकि यहाँ पे चिकन वाले और बीफ मतलब बीफ ज़्यादा बिकता है। तो आप सबसे पहले कंफर्म कर लेना कि आप क्या खा रहे हो। पहुँच तो गया और बहुत शांति है, देखो कोई रेजिडेंशियल एरिया और बहुत बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं यहाँ पे। और मुझे ना म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आगे कहीं आसपास है। तो ये देखो सामने आ गया प्रागा होटल, और लिफ्ट पकड़ के रूफ टॉप पे जाना है क्योंकि पार्टी जो है वो रूफ टॉप पे हो रही है। और भाई ये देखो अंदर तो सही माहौल है, मतलब यहाँ सालसा वगैरह चल रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं अपने दोस्त को ढूंढता हूँ, दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। और सालसा में पता है क्या होता है, अगर आप अकेले बिल्कुल खड़े हो तो आपसे ना लोग डांस के लिए पूछने आएंगे, जैसे अगर आप लड़के हो तो लड़की पूछने आएगी, और आप लड़की हो तो लड़के पूछने आएंगे। तो ये भी ना मुझसे पूछने तो आ रही है, पर मेरे में ना हिम्मत नहीं है कि मैं इन सबके लोगों के सामने खराब डांस कर सकूँ। भाई बढ़िया माहौल है, अगर आप भी सालसा ढूंढ रहे हो तो ढूंढ लो, क्योंकि मैंने भी डांस किया, खराब ही किया पर किया है, मतलब थोड़ा मज़ा तो आया है। और ये देखो ये बाहर का नज़ारा है, बिल्कुल छत पे है, यहाँ से पूरा ताशकंद शहर दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ये देखो जैसे दिल्ली में दिवाली पे जो लाइटिंग होती है ना, वो यहाँ पे लगी हुई है। और ये दोनों लड़कियाँ हमें बता रही हैं कि आप उज़्बेकिस्तान में कहाँ कहाँ घूम सकते हो। भाई देख लो यहाँ पे पर्वत भी थे, तो जो मुझे पता नहीं चला जो मुझे इसने बताया अभी। ये देखो मैं इनका वीडियो बना लेता हूँ ताकि मुझे नाम याद रहे। वेलकम, हाँ थैंक यू, थैंक यू। तो अब यहाँ से निकलते हैं अपनी नई लोकेशन की ओर, जहाँ पे हम आपको ताशकंद की नाइट लाइफ दिखा पाए। तो यार सालसा करके बड़ा मज़ा आ गया, मतलब मेरे लिए बिल्कुल नया था, मेरे को कुछ नहीं आता था। तो वहाँ पहले थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर खुद मतलब तुम जाओगे तो खुद लड़कियाँ आएंगे तुमसे पूछने कि डांस करो क्योंकि तुम अकेले क्यों खड़े हो। भाई मुझे बहुत शर्म आ रही थी करने में, क्योंकि शर्म मुझसे इसलिए नहीं आती कि मुझे डांस नहीं आता या मुझे मैं शर्मीला हूँ, नहीं, मुझे शर्म इसलिए आ रही थी कि अगर मैंने कर दिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है, जो कि हो गई। पर कोई तुम्हें जज नहीं करता यार, ये हमें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं। तो एक लड़की आई, उसने मुझे पूरा सिखाया, 2-3 स्टेप यही सीख पाया मैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद फिर लोग पार्टनर बदले जा रहे थे, तो ऐसे बदल बदल के और सीखा। पर यही था कि थोड़ा सा सालसा सीख लेना यार, अगर तुम वैसे सालसा पार्टी में जा रहे हो, क्योंकि ना पहले तो वो तुम्हें बुलाने आएंगे, मतलब तुम्हारे साथ डांस करने आएंगे क्योंकि तुम अलग खड़े होगे, फिर उसके बाद वो तुम्हें नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम पार्टनर के गोविंदा जैसा डांस कर दोगे, एक हाथ की सैंडल तोड़ दोगे, एक हाथ को गिरा दोगे, अजीब सा डांस कर दोगे, वो फिर भी बुलाएंगे कि वो मतलब तुम सालसा डांस पार्टी में आए हो, तो बुलाएंगे बुलाएंगे। तो अपनी बेइज्जती बचाने के लिए सालसा ज़रूर सीख के आना, मतलब हल्का फुल्का घर पर ट्राई कर लेना, जैसे कि मैं नहीं करके आया था, पर फिर भी भाई बहुत मज़ा आ गया। तो जब भी तुम उज़्बेकिस्तान आते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो वहाँ की ना कम्युनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करो,
क्योंकि वहीं पे तुम्हें नए लोग मिलेंगे, ताकि तुम नए लोगों को जान पाओ, इस देश के बारे में जान पाओ। जैसे मुझे कुछ लोग मिले, उन्हें बताया कि ताशकंद के पास पास कौन सी और लोकेशन है जहाँ तुम देख सकते हो, और मैं जैसे कल समरकांड जा रहा हूँ तो समरकांड में मैं क्या क्या देख सकता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है यार, जो एक ग्रुप असेंबल होते हैं एक जगह, तो वहाँ पे जुड़ो यार। मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत, और फ्री एंट्री थी, मेन बात यह है फ्री एंट्री थी। बस तुम्हें ग्रुप्स खुद ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने खुद ढूंढा नहीं, मेरे भाई ने ढूंढा, गंजे जर्मन ने ढूंढा, तो ऐसे तुम्हें ग्रुप्स मिल जाएंगे, फिर कर लेना डांस। और यहाँ पे ना 1:30 बज गया, और ये देखो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो गया क्योंकि पेड़ों के बीच में आ गया। वहाँ चौराहे पे तो ना मतलब इतनी रोशनी है, दुकानें खुली हुई है, रेस्टोरेंट अभी तक खुले हुए हैं। तो ताशकंद की नाइट लाइफ बहुत वाइब्रेंट है, मतलब आप यहाँ आओगे तो आप बोर नहीं होंगे, आपको मतलब सोना, जिसको नाइट लाइफ देखनी है, इन्जॉय करनी है, वो मतलब आ सकता है ताशकंद, तो ताशकंद में वो बोर नहीं। और ताशकंद की नाइट लाइफ तो आपको ना मैजिक सिटी में दिखेगी। तो मैजिक सिटी आ गया मैं यहाँ पे, और मैजिक सिटी में ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा है यार, हर तरह का अजीब शो हो रहा है यहाँ पे, देखो हड्डी नाच रही है। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब आप देखोगे पूरा ऐसा लगता है कि ताशकंद यहीं आ गया है। फैमिली दा रखे हैं, बच्चों के लिए, मतलब ये जो मैजिक पार्क है, मैजिक सिटी है, ये बच्चों के लिए पार्क बोला जाता है, पर यहाँ पे बड़ों के लिए भी एडवेंचर राइड्स वगैरह सब है, और ये लाइटिंग वगैरह है तो बढ़िया है। और ये देखो भाई क्या बढ़िया व्यू है, मतलब मैं तो मैजिक सिटी आया था, मैं मिस ही कर देता, मैं तो मैजिक सिटी से थोड़ा पैदल आगे चल के आऊँ, और यहाँ से ये देखो दिखता है आपको मेन रोड से दिख जाएगा। तो आप मैजिक सिटी आ रहे हो ना, तो रात को यहाँ पे ज़रूर आना है। देखो नदी बह रही है, नदी के साइड में दोनों तरफ मॉल बना रखे हैं, खाने की दुकानें बना रखी हैं, और मैंने भी वेज रोल पैक करा लिया, और यहीं बैठ के खाऊंगा यार। ये देखो बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल पे आ गया, सॉरी टकरा गया, और मैं और ग्राउंड लेवल पे से देख लो भाई, नदी कैसे दिख रही है, बढ़िया।